हजरत पीर फतेहुल्ला शाह बाबा दरगाह शरीफ, रायसेन, मध्य प्रदेश। दरगाह पीर फतेहुल्ला शाह कहते हैं कि अल्लाह तबारक ताला पैगंबरों को वो ताकत अता की जो इंसानी ताकत से बाहर है, उसको मुजज़ा कहा जाता है, और औलिया अल्लाह को ऐसी ताकतें अता की जो इंसान की कुदरत और ताकत से बाहर है, और कोई ऐसा मुजाहिरा करते हैं तो उसको करामत कहा जाता है। अल्लाह के वलियों ने बारहा इस्लाम की हिमायत के लिए, इस्लाम की नुसरत के लिए या अपने हकानियत के लिए वक्त ज़रूरत उन करामतों का इजहार किया है। बहुत सारे अल्लाह के वली ऐसे हैं जो उन करामतों का इजहार नहीं किया, और कुछ ऐसे हैं जो वक्त ज़रूरत उनसे करामतों का इजहार हुआ, और आज भी वो करामतें जाहिर होती हैं। जैसे यूपी के एक शहर अमरोहा है जिसमें दो अल्लाह के वली हैं जिनके यहाँ बिच्छुए मिलते हैं, लेकिन बिच्छू काटता नहीं है क्योंकि उन्होंने कह दिया था मेरे यहाँ बिच्छू मिलेगा लेकिन काटेगा नहीं, और बहुत सारी बातें हैं इसी तरह से। तो अल्लाह के वलियों से करामतों का इजहार होता है, ये उनकी हकानियत की बड़ी दलील है, मज़हब इस्लाम की हकानियत की दलील है। उन्हीं में से हजरत पीर फतेहुल्ला शाह हैं जिनका मज़ार रायसेन मध्य प्रदेश में है। आप एक बार करामत वली थे, अपनी ज़िंदगी में भी आपकी बहुत सारी करामतें ज़ाहिर हुई, और आपने अपने ज़माने में इस्लाम की बड़ी खिदमत की, इस्लाम की अशात में, इस्लाम के फ़रोग में लोगों की इस्लाह के लिए आपने बड़ी कुर्बानियाँ दी, भटके हुए लोगों को राह रास्त पे लेके आए। आपका सिलसिला बहुत वसी है, आपके मानने वाले काफ़ी तादाद में हर दौर में रहे हैं, आज भी आप के मज़ार में लोग अकीदत के साथ जाते हैं। आपकी बेशुमार करामतों में आज जो एक करामत आज भी मशहूर है और इसको ज़िंदा करामत कहा जाएगा, इसलिए कि औलिया अल्लाह अपने अपने ज़माने में कुछ करामतें दिखाते थे, लेकिन पर्दा फरमाने के बाद सिर्फ उन करामतों का ज़िक्र होता है। लेकिन अल्लाह के बहुत सारे ऐसे बंदे हैं, बहुत सारे ऐसे वली हैं जिन्होंने अपनी करामतों को अपनी ज़िंदगी में दिखाए, लेकिन उनके करामतें कुछ उनके पर्दा फरमाने के बाद भी मौजूद हैं और उन करामतों का ज़हूर होता है। उनमें से ऐसे ही एक करामत का तذکرہ बहुत लोगों की ज़ुबानी सुनने में आते हैं और आज भी मशहूर हैं कि पीर फतेहुल्लाह के दरबार में जब कोई भी शख्स नई गाड़ी ख़रीद कर लेके जाता है और उनके बारगाह में हाज़िरी दे के आता है, तो फिर वो गाड़ी तमाम हादसात से महफूज रहते हैं, कभी किसी हादसे का वो शिकार नहीं होता है और कभी कोई एक्सीडेंट वगैरह जो है वो नहीं होता है। ये करामत काफ़ी मशहूर है और लोग अकीदत के साथ जब गाड़ी ख़रीदते हैं तो पहले हजरत पीर फतेहुल्लाह बाबा की बारगाह में हाज़िरी देते हैं ताकि फिर वो अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और किसी तरह से कोई हादसात दरपेश ना हो। ये मशहूर है। उसके अलावा और भी लोग मुख्तलिफ शक्लों में फैज़ पाते हैं उनके दरबार में, जिनमें किसी को कुछ महसूस होता है और कुछ फैज़ ऐसा होता है जो गैर महसूस होता है लेकिन लोगों को फ़ायदा पहुंचता है और लोग वहां जाते हैं। हजरत पीर फतेहुल्लाह शाह बाबा दरगाह शरीफ, रायसेन, मध्य प्रदेश। भारत के मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित जिला मुख्यालय का शहर रायसेन है। ये शहर प्रदेश की राजधानी भोपाल से 23 किलोमीटर की दूरी पर बसा हुआ है। रायसेन राजवासनी या राजसयन का एक विकृत रूप है। रायसेन के पहाड़ के ऊपर एक मशहूर किला मौजूद है जिसका नाम रायसेन है।
इसी किले की वजह से इस शहर का नाम रायसेन पड़ा। समय समय पर अलग अलग सल्तनतों की हुकूमत की वजह से इस शहर में काफी तब्दीलियां आईं, पर फिर भी ये अपने कई ऐतिहासिक ढांचों को संजोए रखने में कामयाब रहा। रायसेन के मशहूर ढांचों में एक हजरत पीर फतेहुल्ला शाह का दरगाह है, जिसे देखने रायसेन और उसके आसपास के लोग भारी तादाद में आते हैं। रायसेन का हजरत पीर फतेहुल्ला शाह दरगाह एक मुस्लिम संत की दरगाह है। हजरत पीर साहिब सुल्तान ए मालवा के नाम से भी जाने जाते थे। हजरत पीर साहिब के शहीद होने के बाद उनके दरगाह को रायसेन में बनवाया गया, जहां हर दिन सैकड़ों की तादाद में लोग हजरत पीर फतेहुल्ला शाह बाबा की मजार के दीदार के लिए आते हैं। हजरत पीर फतेहुल्ला शाह दरगाह का इलाका काफी बड़ा है। दरगाह के बाहर छोटी छोटी दुकानें लगी हैं, जहां मजार में भेंट करने के लिए फूल और बाकी सामान मिल जाते हैं। अंदर दाखिले के लिए दो दरवाजे हैं। इन दरवाजों के ऊपर दो गुंबद दोनों तरफ मौजूद हैं, जिन पर इस्लाम के निशान आधा चांद और सितारा बने हुए हैं। दोनों गुंबदों के बीच में एक टावर है, जिसके ऊपर झंडा लहराता रहता है। एक दरवाजा दरगाह की ओर और दूसरा मस्जिद की ओर जाने के लिए है। बीच में रेलिंग वाला रास्ता बना हुआ है। दरवाजे से लेकर दरगाह तक राह में कालीन बिछी हुई है। दरगाह के अहाते में एक आंगन है, जिसकी एक ओर दरगाह है और दूसरी ओर मस्जिद है। दरगाह के पास ही एक तरफ बनी सफेद रंग मस्जिद की इमारत बहुत पुरानी है। इसके ऊपर चार छोटे गुंबद हैं। इसके अलावा वहां लोगों के आराम के लिए बरामदे बने हुए हैं। हजरत पीर फतेहुल्ला शाह बाबा के दरगाह का माहौल बहुत ही शांत है। पेड़ की छांव में खड़ा ये दरगाह बहुत ही साधारण दिखने वाला, पर दिव्य शक्तियों से भरपूर है। दरगाह के चारों तरफ लोहे की रेलिंग बनी हुई है। रेलिंग के अंदर दरगाह के ठीक सामने एक चिराग जलता रहता है।
बाहरी दीवारों पर अरबी लफ्जों को खूबसूरती से लिखा गया है। औरतों को इस रेलिंग के अंदर तक ही आने की इजाजत है। वे वहीं से हजरत पीर साहिब की इबादत करती हैं। पुरुषों को अंदर जाने की इजाजत है। अंदर मजार बाकी मजारों की तरह ही चादर से ढका और फूलों से सजा रहता है। मजार के एक तरफ बर्तन में पानी रखा हुआ है, जिसे लोग बहुत ही श्रद्धा से कबूल करते हैं। वे यकीन करते हैं कि इस पाक जल में उनके सारे रोगों को दूर करने की शक्ति है। मजार में दुआ करने के बाद लोग कुछ देर वहीं आंगन में चबूतरों पर पेड़ों की छांव में कुछ समय बिताकर हल्के मन से वापस लौटते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस पाक जगह पर भक्तों द्वारा पूरे यकीन और ईमानदारी से जाहिर की गई सभी ख्वाहिशें पूरी होती हैं। लोगों का ये भी मानना है कि जो भी अपनी नई गाड़ियों को यहाँ लाते हैं, वे गाड़ियाँ कभी किसी हादसे का शिकार नहीं होती। हर साल मुहर्रम का त्योहार यहाँ काफी धूमधाम से मनाया जाता है। सभी मजहब के लोगों को किसी भी भेदभाव के बिना यहाँ आने की इजाजत दी जाती है। यही वजह है कि ये जगह मजहबी एकता की मिसाल के रूप में जानी जाती है। रायसेन भोपाल से सिर्फ 23 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, इसलिए भोपाल हवाई अड्डे में उतरकर टैक्सी या बस द्वारा रायसेन तक पहुंचा जा सकता है। ये भोपाल हाईवे NH 86 से जुड़ा हुआ है। देश के बाकी सभी बड़े शहरों से भोपाल रेलवे स्टेशन में उतरकर रायसेन पहुंच सकते हैं। भोपाल शहर रायसेन से रेल और सड़क मार्ग से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। शहर के अंदर बस, टैक्सी या ऑटो रिक्शा के जरिए रायसेन के हजरत पीर फतेहुल्लाह शाह बाबा के दरगाह तक पहुंचा जा सकता है। इस दरगाह में आने वाले सभी मुरीदों की मन की मुरादें पूरी होती हैं। और जो यहां आता है वो बाबा का मुरीद बन जाता है। इस सुकून भरे माहौल में दिल को जो चैन मिलता है वो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। हजरत पीर फतेहुल्लाह शाह बाबा की रहमतें हमेशा सभी पर कायम रहें। आमीन।